हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो न्यू वीडियो। सो आप में से बहुत सारे लोग जो है मुझे बोल रहे हैं कि बुलू भाई जो है यजदी की जो नई बाइक आई है यजदी एडवेंचर, उसके बारे में बात कीजिए। और हम जो है कन्फ्यूज है हिमालयन और यजदी को लेके, मतलब कौन सा लेना चाहिए, मतलब रॉयल एनफील्ड की हिमालयन लेना चाहिए या फिर यजदी लेना चाहिए। वेल दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ, टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं ना जाके कोई शोरूम से कोई बाइक पिकअप करके, मतलब 10-15 मिनट में घुमा के ला लो, उस पर वीडियो बना दो, बना के कुछ दिखा दो, या फिर कहीं से भी बाइक लेके मतलब 10-15 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटे में वीडियो बना दो, वो एक्चुअली मुझसे होता नहीं है। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना थोड़ा सा टाइम चाहिए बाइक के साथ। जनरली मैं क्या करता हूँ, जैसे 50-60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चलाता हूँ, उसके बाद ही मैं अपना फीडबैक शेयर करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में इतने सारे मोटरसाइकिल चलाए और इतने सारे किलोमीटर्स कवर किया है अपने लाइफ में, टूरिंग किया है, तो बात यह कि 50 से 100 किलोमीटर अगर कोई भी बाइक में चलाता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि ओवरऑल क्या फीडबैक है बाइक के बारे में, और टूरिंग के लिए खास करके सही है नहीं है, अगर सही नहीं है तो क्या मॉडिफाई करने से सही हो पाएगा, तो ये सब मुझे आइडिया आ जाता है। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, एंड आई डोंट लाइक कि मैं बाइक लेके आऊँ और मेरे साथ कोई आए या फिर शोरूम वाला देखता रहे, कोई देखता रहे, तो वो सीन होने से मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। उसी के लिए मैं जो है टाइम लेता हूँ। आपने देखा होगा कि सारे के सारे लोग जो है रिव्यूज़ डाल देते हैं अपने, हालांकि ये आप लोगों को भी पता है, लोग अपने लाइफ में 100 किलोमीटर टूरिंग नहीं किए होंगे, लेकिन लॉन्ग टूर के बारे में रिव्यू भी बना देते हैं, बातें भी कर लेते हैं, सॉल्यूशंस भी दे देते हैं। लेकिन हम वैसे नहीं है, हम क्या है भाई, हार्डकोर बाइकर है, राइडर है, तो मतलब एक काइंड ऑफ कनेक्ट डेवलप होता है बाइक के साथ, उसके साथ जो है हम लोग शेयर करते हैं फीडबैक, तो ये बात है। तो इसी के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जितने भी सारे मेरे वीडियोस हैं, जो भी मैं मोटरसाइकिल का बारे में अगर कोई बात करता हूँ टूरिंग मतलब एस्पेक्ट को लेके, तो जनरली ये होता है कि सारे के सारे लोग जो है वीडियोज सब अपलोड कर देते हैं, उसके बाद मैं फिर मोटरसाइकिल लेता हूँ और चलाता हूँ। मुझे कभी कभार ये भी लगता है कि यार शायद मुझे 4-5 लाख ना एक बजट लगा के रखना चाहिए। जो भी मार्केट में नया मोटरसाइकिल आ रहा है उसको खरीदो एंड उसमें बहुत सारे वीडियोस बनाओ, सारे के सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मतलब किसको खरीदना चाहिए किसको नहीं खरीदना चाहिए, एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाओ, उसके बाद फिर उसको बेच दो। थोड़ी सी नुकसान उसमें होता है, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा सा वीडियो में भी वो रेवेन्यू भी आ जाता है, तो ऑलमोस्ट वो सिमिलर हो जाता है। जो नुकसान होगा वो गेन भी हो जाता है, लेकिन उसमें होता क्या है, आप लोगों को ना अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्योंकि दोस्तों देखो, वेरी सिंपल है, जब मैं अपने पैसों से अगर मोटरसाइकिल खरीद लेता हूँ, उसमें एडवांटेज ये रहता है कि मैं किसी से कोई फेवर नहीं लेता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि आई एम नॉट लिटरली एंसरेबल, या ऐसा कोई सीन नहीं होता है कि मुझे बायस्ड होना पड़ेगा कोई भी ब्रांड की तरफ। क्योंकि जब मैं एक मोटरसाइकिल खरीदता हूँ, आई कैन सिंपली स्पीक वॉट एवर आई लाइक, मतलब पूरा दिल से जो चाहिए वो बात करता हूँ। और इसी के लिए बहुत सारे लोग मुझे पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते भी नहीं है, क्योंकि मैं बाइक्स जो बाइक्स मैं खरीदता हूँ उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बोलता रहता हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि यार ये तो हमेशा डिफेम करता है कंपनी को, ये तो हमेशा इसके बारे में बुरा बोलता है, वो बोलता है। लेकिन बात यह कि जब आप ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो उसमें अच्छाई के साथ बुराई भी आता है। हर कोई भी प्रोडक्ट मतलब जिंदगी में आप देखे नहीं होंगे जो कि पूरा परफेक्ट हो, कुछ अच्छा कुछ बुरा रहता है। एनीवेज गाइस, तो आज इस वीडियो पे हम लोग ये करेंगे कि स्पेक्स और उसके हिसाब से एक छोटा सा फीडबैक मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, एक आइडिया लगने के लिए। देखो, आपके दिमाग में भी एक आइडिया रहना चाहिए कभी भी अगर आप शोरूम को जा रहे हो। आई कैन टॉक अबाउट थिंग्स जो कि आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो, रखने के बाद वही सब चीज़ों को जो है आप मतलब क्या बोलते हैं, आप जब टेस्ट राइड ले रहे हो तो वह दिमाग में आपका रहेगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या आपके रिक्वायरमेंट को फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो फिलहाल के लिए यही वीडियो बनाते हैं, इसके बाद आई एम श्योर कि कुछ दिनों के अंदर जो है मैं बाइक लेने वाला हूँ। आई एम वेटिंग कि अगर रॉयल ब्रदर अगर बाइक उनके फ्लीट में ला लेता है तो वो कर सकते हैं, या फिर कहीं से हम लोग पिक करेंगे। आई जस्ट नीड द बाइक फॉर सम टाइम, मतलब वो जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा ट्रिप करेंगे, करने के बाद जो है शेयर करूंगा। मुझे देखो, क्योंकि ये एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है, मुझे उस पर जो है ऑफ रोड भी करना है, रोड पे भी चलाना है, घाट्स पे भी देखना है, टूरिंग के हिसाब से भी सोचना है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। सो प्लीज़ गिव मी सम टाइम, उसमें एक बहुत अच्छा वीडियो लाऊंगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लास्ट टाइम हम लोग CB 350 वर्सेस मेटियोर किए थे, वी गॉट लॉट ऑफ टाइम विद द मोटरसाइकिल्स, एंड देन उसके बाद ये सबसे बाद वाला वीडियो था, मतलब सबसे आई थिंक सब लोग वीडियो ऑडियो अपलोड कर दिए थे, उसके बाद हम लोग 2-3 महीने के बाद लाए थे, लेकिन जो वीडियो था बहुत मस्त था, 6 लाख+ आई थिंक व्यूज़ उस पर आया है और लोगों को बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला है। वहाँ से मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है खरीदे हैं वो मोटरसाइकिल्स, तो ये है बात, तो वो करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको स्पेक्स के बारे में आइडिया देता हूँ कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मोटरसाइकिल से। तो दोस्तों, साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर दोनों मोटरसाइकिल की हम लोग प्राइस पॉइंट पर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले सबसे पहला पॉइंट तो आ जाता है लुक्स पे। अगर आप लुक्स पे देखोगे तो एग्जैक्टली ये बाइक
बाइक्स जो है सिमिलर ही दिखता है। पहले दिन तो इनफैक्ट मेरा मतलब क्या बोलो, मेरे मुंह से ना एडवेंचर के बदले निकल गया था कि यस दी हिमालयन, सच में यस दी हिमालयन। वो होता है ना कभी कभी एडवेंचर की जगह हिमालयन आ गया था, तो वैसा ही उतना आइडेंटिकल है लुक्स में। सेकंड आते प्राइस पॉइंट के ऊपर, प्राइस पॉइंट अगर देखोगे बहुत सिमिलर प्राइस पॉइंट्स हैं, एंड यहीं पे जो है सारे के सारे लोगों को जो है कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि अगर एक की प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता तो लोगों के लिए वो बाइंग के लिए एक प्राइस पॉइंट एक फैक्टर बन जाता कि यार ये ज़्यादा है या कम है, वैल्यू फॉर मनी है नहीं है। लेकिन अभी जो है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सिमिलरली प्राइस, तो ये सारे के सारे कन्फ्यूजन यहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट चलो बात करते हैं इंजन के बारे में। सो दोस्तों अगर इंजन के बारे में अगर देखोगे, देखो मैंने खुद जो है दोनों बाइक्स को, मतलब दोनों बाइक्स की जो इंजन वो चलाया है। सो लिटरली मैंने जावा के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बट पैराक के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं किया। लेकिन मेरी सोसाइटी में एक दोस्त है जिनके पास पैराक है, उसका भी हम लोग लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू भी शायद एक दो दिन में ला देंगे। बट आई हैव सीन दैट इंजन इज अ गुड इंजन, मतलब मैंने जो जावा भी चलाया है वो थोड़ा सा पावर और टॉर्क उसके उसमें कम है कंपेयर टू द पैराक, लेकिन स्टिल मैंने उसको 2000 किलोमीटर के लिए अराउंड जो साउथ इंडिया की जो टेम्पल है, टेम्पल रन मैंने किया था, तो उसमें मैंने देखा था कि इंजन जो है स्ट्रेस फ्री है। एंड यू ट्रस्ट मी, हम लोग सुबह पुल्लकंड में शुरू हुए थे बैंगलोर से, एंड बाई इवनिंग आई थिंक वी रीच्ड कन्याकुमारी। 650 किलोमीटर की राइड थी एंड राइड वॉज गुड, जस्ट दैट कि जावा में मुझे थोड़ा सा वो सीट उतना पसंद नहीं था बिकॉज थोड़ा सा हार्ड था, बट अदरवाइज देखने से मैंने देखा था कि स्ट्रेस फ्री इंजन है। आराम से हम लोग पहुंच गए थे 100-110 की स्पीड पे हम लोग जावा पे किए थे। आई थिंक पैराक वाली जो इंजन है वो थोड़ा सा 120 तक आप आराम से चला सकते हो बिकॉज थोड़ा सा पावर और टॉर्क ज़्यादा है। तो इंजन के मामले में अगर देखोगे तो हिमालयन से मैं थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू करूँगा स्मूथनेस, रिफाइनमेंट, स्ट्रेस फ्री के हिसाब से जावा की जो इंजन है वो बेटर है। अब बात करते हैं सीसी के बारे में। जैसे आपको बताया पता हो तो जो यसदी एडवेंचर है वो 330 की है, ये 400 सीसी की, 411 सीसी की है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपको उतना कोई डिफरेंस नहीं होगा। जस्ट दैट कि रॉयल एनफील्ड की इंजन जो है थोड़ा सा लो कंप्रेशन इंजन, ये थोड़ा सा हाई कंप्रेशन इंजन, लेकिन इट इज़ बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेशन इंजन नहीं है जैसे KTM, बजाज ये सब में आता है, वैसा नहीं है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। तो हिमालयन में क्या होगा, थोड़ा सा आपको टॉर्क जो है थोड़ा सा लो RPM पे मिल जाएगा। अब उसके बारे में बात कर देते हैं कि पावर और टॉर्क की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, पावर और टॉर्क के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमालयन में जो है आपको मिलता है 24.4 आसपास की BHP है, लेकिन जो RPM पे वो डिलीवर होता है थोड़ा सा लो RPM पे होता है, अराउंड 6500। थोड़ा एक बार मैं देख लेता हूँ उस स्पेक्सी, तो वो जो तो हिमालयन जो है आपको 6500 RPM पे जो है 24.4 की जो है पावर दे देता है, एंड ये जो है यसदी एडवेंचर जो है आपको करीब करीब 29.9 ऑलमोस्ट 30 BHP आप सोच लो एट 8000 RPM। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा कि आपकी जो पावर डिलीवर होता है हिमालयन में वो कम फिगर में है लेकिन थोड़ा सा लो RPM पे देता है, एंड आपकी जो यसदी है वो थोड़ा सा हायर RPM पे देते हैं। लेकिन पावर के मामले में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा 6500 RPM और 8000 के RPM में। एक्चुअली यू विल फील जवा आपको बेटर लगेगा चलाने में, खास करके अगर हाईवे पे ये सब पे देखोगे स्पीड रन का, खास करके अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा हायर RPM पे इंजन चलेगा, लेकिन पावर बिकॉज आपको ज़्यादा डिलीवर हो रहा है तो आप जो है थोड़ा सा हिमालयन से 10-20 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा चला सकते हो स्ट्रेस फ्री होकर। मतलब हिमालयन पे मान लीजिए कि 100 पे जो स्ट्रेस आएगा, सेम स्ट्रेस जो है जावा पे शायद 125 पे आएगा। तो वो है बात, तो हो सकता है कि जावा में बोल दे रहा हूँ एक्चुअली बीच बीच में यसदी आप सोच लो, अगर गलती से बोल देता हूँ वो मुझे मेरा दिमाग में बैठ गया जावा यसदी सेम है, तो वो है। बाय द वे गाइस आपको बताता हूँ, आज मैंने सोचा कि बहुत दिनों के बाद रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करेंगे तो रॉयल एनफील्ड का कैप भी पहन लिया मैंने, राइडर मनिया वाला कैप। राइडर मनिया तो इस साल हुआ नहीं, होता तो आप लोगों के साथ मिलता जो भी रॉयल एनफील्ड ओनर्स है, लेकिन कैप पहन लिया थोड़ा मेमोरीज रिफ्रेश भी हो गया। एनीवेज तो जो मैं बोल रहा था कि बिकॉज ऑफ द पावर, ज़्यादा पावर जो मतलब 4-5 BHP जो ज़्यादा है जावा में यसदी में, तो उसके वजह से क्या होगा आपको हाईवे पे जो है स्पीड रन पे आपको थोड़े से एडवांटेज मिलेगा और थोड़ी सी इंजन जो है हायर स्पीड, इससे 20-25 किलोमीटर पर आवर आप जो है तेज चला सकते हो, स्ट्रेस लेवल सेम रहेगा। तो वो है बात। नाउ कमिंग डाउन टू द टॉर्क फिगर्स, सो हिमालयन जो है आपको करीब करीब 32 Nm की जो है टॉर्क डिलीवर करता है एट 4500 RPM। जहाँ पे हम लोग अगर यसदी में देखेंगे तो ये जो है आपको 29.9 ऑलमोस्ट आप 30 मान लो 30 Nm की टॉर्क जो है आपको डिलीवर करता है एट 6500 RPM, 6500 RPM। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पहला तो आप देख सकते हो कि टॉर्क की फिगर 32 Nm है और यहाँ पे 29-30 Nm की है, तो 2 Nm की टॉर्क आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन बात यह है कि हिमालयन में जो है वो 4500 RPM पे मिलता है, जो कि यसदी में 6500 मतलब 2000 RPM यसदी को आपको थोड़ा सा रेव करके रखना पड़ेगा फॉर द पीक टॉर्क, और हिमालयन में थोड़ा सा लो RPM पे भी आपको बेहतर टॉर्क मिल रहा है जावा यसदी से।
तो इसमें ये कहाँ पे आपको डिफरेंस ला सकता है मैं आपको बताता हूँ। खास करके क्या होगा ना, जैसे आप सिटी में राइड कर रहे हो तो सिटी में क्या होगा, आप हिमालयन को जैसे कभी कभार थर्ड गियर पे अगर चला पाते हो तो सेम चीज अगर स्लो में, मतलब मान लो कि 20-30 के स्पीड पे चला रहे हो एंड आप थर्ड गियर पे हो, तो आपको हो सकता है कि कभी कभार आपको सेकंड गियर पे लाने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा अगर लाइट थ्रॉटल भी देते हो तो हिमालयन जो है दुक 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 करके मतलब निकल के चला जाएगा। सेम प्लेस पे जावा को थोड़ा सा आपको आरपीएम ज्यादा देना पड़ेगा, तो अगर आप आरपीएम ज्यादा देते हो तो पीक टॉर्क वहां पे आएगा, तो आप थोड़ा सा हायर गियर पे आपको आरपीएम थोड़ा ज्यादा देके लेना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आएगा आपको सिटी में कि हिमालयन एक गियर ऊपर आप रह सकते हो कंपेयर टू दी जावा, तो आपको गियर शिफ्टिंग जो है फ्रीक्वेंसी जो यसडी में थोड़ा सा आपको ज्यादा रहेगा, मतलब सिटी में आपको थोड़ा ज्यादा गियर शिफ्ट करना पड़ेगा जो कि हिमालयन के केस में थोड़ा कम पड़ेगा। इनफैक्ट आप जानते होंगे कि हिमालयन छोड़ दो रॉयल एनफील्ड की कोई भी गाड़ियां, आप लोगों को पता होगा कि हिल्स के लिए बहुत अच्छा लोग बोलते हैं, उसका रीजन यही है कि इसके लो आरपीएम पे जो है टॉर्क अच्छा डिलीवर होता है, पावर को भूल जाओ, रॉयल एनफील्ड में उतना ज्यादा पावर नहीं रहता लेकिन बहुत टॉर्की इंजन रहता है, तो इसी की वजह से लोग बोलते हैं कि मतलब हिमालयस ये सब के लिए हिमालयन बहुत अच्छी है। अब सेकेंड इसकी कहाँ पर काम आएगा, जैसे मैं आपको सिटी का एग्जांपल दिया, सेम चीज़ जब आप घाट्स चढ़ रहे हो, मान लो कि आप स्टीप घाट से सब चढ़ रहे हो, तो हिमालयन के केस में ये होगा कि अगर आप मान लो कि कोई स्टीप घाट चढ़ रहे हो, कभी कभार ऐसे हो सकते हैं कि आप सेकेंड या थर्ड गियर पे भी हिमालयन को एक अच्छी सी पंच आपको मिलेगा, आप दुख दुख करके चला के जा सकते हो, लोअर आरपीएम पे आप थ्रॉटल करके चला सकते हो, वहाँ पे जावा पे क्या आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा या फिर एक गियर डाउन करना पड़ेगा, यही एक डिफरेंस आपको फील हो सकता है बिकॉज इसमें थोड़ा सा टॉर्क कम है एंड दैट टू थोड़ा हायर आरपीएम पे टॉर्क देता है, जैसे मैं आपको बताया कि कंप्रेशन रेशियो भी डिफरेंट है, तो उसके वजह से ये बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस रह सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अगर फिगर्स में देखोगे 2 NM की ही डिफरेंस है, जस्ट दैट कि हिमालयन पे आपको थोड़ा कम एक्सेलरेट करना पड़ेगा, थ्रॉटल कम देना पड़ेगा, जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ेगा ताकि वो इंजन वो आरपीएम तक जाए वो पीक टॉर्क डिलीवर करने के लिए, बस यही है डिफरेंस। एंड पूरी की पूरी कंपैरिजन में मैंने फील किया कि ये एक ही एडवांटेज है हिमालयन के पास कि लोअर आरपीएम पे टॉर्क थोड़ी सी ज़्यादा डिलीवर हो रहा है कंपेयर टू द जावा। अदरवाइज मैंने जब पूरा स्पेक सब कुछ मतलब कंपेयर कर रहा था तो मैंने देखा कि हिमालयन के पास आई थिंक और एक भी एडवांटेजेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दो एडवांटेज ही है हिमालयन के साथ, मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस एक्चुअली फॉल्स ऑन दी जावा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला एडवांटेज, वो है वेट। अगर आप वेट का देखोगे तो क्लियर कट 10 किलो की डिफरेंस है, आई थिंक हिमालयन जो है 199 kg है एंड जावा जो है आपको 188 kg। इसका मतलब ये है कि जो टॉर्क के बारे में मैं बात कर रहा था, यहाँ पे ये 10 किलो का जो वजन मतलब जो वेट है ये भी थोड़ी सी एक डिमेरिट होगा हिमालयन के लिए। 10 किलो की वेट है लेकिन मैटर तो करता है क्योंकि ये सब ना बहुत छोटे इंजन्स है। अगर आप देखोगे मतलब देखो पावर टॉर्क के हिसाब से अगर हम लोग बड़ा बड़ा बाइक देखेंगे उसमें 20-30 किलो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज बहुत ज़्यादा पावर और टॉर्क रहता है, लेकिन ये सब बाइक में थोड़ा सा डिफरेंस तो ये आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर टॉर्क के वैल्यू पे भी आप देखोगे ना, हिमालयन पे 32 NM की टॉर्क है, यहाँ पे 30 NM की टॉर्क है, 29.9 जो भी है, तो वेट के हिसाब से अगर आप मतलब बैलेंस करना चाहोगे ना तो हिमालयन के 32 NM और इसमें जो 30 NM है ये ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा क्योंकि वेट यहाँ पे 10 किलो कम हो जाता है, लेकिन डिफरेंस खाली यही रहेगा आरपीएम की, जो मैं बोल रहा था कि हल्का थ्रॉटल पे हिमालयन पे जो टॉर्क आएगा जवाब है और थोड़ा सा आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, यही एक डिफरेंस है। तो ये हो गया आपकी वेट के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब नेक्स्ट जो एडवांटेज जावा के साथ और एक है, तो वेट में भी जैसे मैंने बताया कि जावा पे ही एडवांटेज है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, जावा में जो आपको 6 gears मिलता है और हिमालयन में जो है 5 मिलता है। आई एम श्योर कि रॉयल एनफील्ड अगर हिमालयन की कोई भी नई वर्जन लाएंगे तो उसमें 6 वाला गियर डेफिनेटली ऐड करेंगे क्योंकि ये एक मेजर ड्रॉबैक था जब आप हाईवे पे टूर करते थे। आप लोगों को पता होगा मैं स्पीति भी लेके गया था, तो दिल्ली से लेके जो स्पीति वैली तक मतलब जो घाट्स तक हम लोग पहुंचते थे तब तक मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था बिकॉज ये 5th gear होता था, तो हमेशा मुझे लगता था कि 110 के बाद जो इंजन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, वो एक रबर बैंड इफेक्ट आपको रहता है 110 के बाद, तो वहाँ पे एक 6 gear रहने से क्या होता ना और थोड़ा सा 10-20 kilometer का जो स्पीड में मतलब ईजी हो जाता है, बेसिकली वही 110 जाएगा शायद लेकिन वो ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर ये एडवांटेज मिलता जावा में क्या होता है ना, जब आप हाईवे पे चलाते हो तो आप जो हिमालयन से एक तो मैंने जैसे बताया कि पावर ज्यादा है तो आप एक 20-25 kilometer ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तो डेफिनेटली वो डिफरेंस रहेगा। मैंने खुद चलाया नहीं लेकिन बट आई कैन क्लियरली से जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं तो 20 किलोमीटर की स्पीड डिफरेंस रहेगा। एंड जस्ट दैट कि जावा में जो आपको स्ट्रेस ज्यादा फील नहीं होगा बिकॉज ऑफ द एडिशनल गियर, वो 6th वाला गियर जो है क्रूजिंग के लिए बहुत अच्छी है हाईवे पे टूर करने के लिए। तो ये हो गया गियर वाली भी एडवांटेज। अब देखो अगर हम लोग इंजन की स्मूथनेस के बारे में या वाइब्रेशन ये सब के बारे में बात करें तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि रॉयल एनफील्ड बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, इंजन आर नॉट
नॉट लाइक कि बटर स्मूथ। आई थिंक देखो अगर हम लोग नई जनरेशन ऑफ इंजन सुन के ले गए तो बहुत स्मूथ है, लेकिन पुरानी जनरेशन में सारे के सारे जो वाइब्रेशन थोड़ा रहता है, यस दी मैं ये आपको शायद फील नहीं होगा, थोड़ा सा स्मूथ डेफिनेटली फील होगा। नेक्स्ट कमिंग डाउन टू दिस सस्पेंशन सिटिंग कम्फर्ट, इसका अगर देखेंगे देखो कम्फर्ट में मुझे लग रहा है जनरली आई से कि यार हिमालयन इज अ वेरी कम्फर्टेबल बाइक, उसकी सस्पेंशन अच्छी है, सीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो जावा में भी सिमिलर हो सकता है बिकॉज कंसिडरिंग की सेम टाइप ऑफ सस्पेंशन सेटअप एंड ऑल इज देयर। ये मैं आपको एक टाई बोल दूंगा क्योंकि यार दोनों में जो है कंफर्ट डेफिनेटली रहेगा बिकॉज लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन है तो आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा है, मतलब उभर खबर रोड पे जाने के लिए, रफ रोड्स पे जाने के लिए, ओवरऑल आई थिंक कंफर्ट में सेम रहेगा। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी डिमेरिट और है जावा के साथ जो है सीट हाइट। अगर आप सीट हाइट के बारे में देखोगे तो हिमालयन आई थिंक ऑलमोस्ट 800 mm की सीट है एंड जावा जो है 815 mm है, थोड़ा सा 15 mm ज़्यादा है बट इट इज़ नॉट टू मच। अगर आप लोग में से कोई एक्सपल्स चलाया होगा तो एक्सपल्स की जो सीट हाइट है वो 825 है और जावा की जो है 815 है, हिमालयन जो है 800 है, तो आपको अभी समझ में आ जा रहा होगा कि ये कहाँ, ये एक्चुअली आपका एक्सपल्स और हिमालयन के बीच में आएगा। सो 815 बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी हाइट इश्यू हो सकता है, जैसे मेरे हाइट के अगर कोई बंदा है 5.3, 5.4, 5.5, तो उनके लिए थोड़ी सी जो है हिमालयन आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा अगर सीट के हाइट के हिसाब से देखोगे कंपेयर टू द जावा। बट इसके बारे में मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप बाइक पर बैठ के देखो एक बार, क्योंकि ऐसे भी होता है कभी कभार सीट की हाइट की ज़्यादा रहता है लेकिन जैसे आप बैठते हो थोड़ा सा सैग, वो जो आपकी सस्पेंशन थोड़ा सा कम मतलब प्रेस होता है, कंप्रेस होने के बाद क्या होता है आपको हाइट सिमिलर लगने लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप KTM 390 एडवेंचर देखोगे तो बहुत टॉल है, 855 उसकी सीट हाइट है, लेकिन जैसे आप बैठते हो तो सस्पेंशन थोड़ा सा दब जाता है, उसमें थोड़ा सा हाइट जो है ऑलमोस्ट 20 mm की कम हो जाता है। तो इसलिए ये मैं पॉइंट के लिए आपको कंसिडर करूंगा कि आप जाके शोरूम पे एक बार बैठ के देखो, बाइक को सा सीधा पकड़ो, स्टैंड से निकाल दो, बैठ के एक बार देखो, उसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस के बारे में और रिलायबिलिटी के बारे में, ये दोनों पॉइंट में आई एम श्योर कि जावा थोड़ा सा विन करेगा बिकॉज आप लोगों को पता है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़्यादा आपको मांगता है, कुछ ना कुछ खराब होता रहता है, रिलायबिलिटी के इशूज़ में भी पुराने जितने सारे रॉयल एनफील्ड है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, आई थिंक बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, ये तो आप लोग मानते भी होंगे अगर आप रॉयल एनफील्ड चलाते हो तो छोटा मोटा चीज़ें तो होता ही रहता है। ये थोड़ी सी जावा के साथ उतना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि देखो ये मॉडर्न एज की इंजन है, मॉडर्न इंजन एज की टेक्नोलॉजी है, तो इसमें और देखो हम सब ने जो है मोजो को देखा है, मोजो वाज वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन द सेगमेंट, वही इंजन को जो है रीट्यून करके मतलब जावा और यसडी में इंस्टॉल किया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे रिलायबिलिटी के मैटर में डेफिनेटली हिमालयन आई मीन रॉयल एनफील्ड से बेटर रहेगा यसडी के बाइक्स, तो रिलायबिलिटी के मैटर में अच्छा है। नाउ कमिंग डाउन टू द मेजर डिसएडवांटेज जो मैं आपको बोल रहा था कि जावा के साथ हो सकता है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस सेंटर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर रॉयल एनफील्ड की सबसे बड़ी एडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो सर्विस सेंटर्स है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, आप हाईवे पे भी कहीं भी जाते हो तो हर सिटी से पहले या बाद में जो है आपको हाईवे पे भी इसकी सर्विस सेंटर मिल जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। जावा क्या है, अभी एक दो साल हुआ आया है एंड इनको स्टिल दे हैव टू लाइक दे हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ सर्विस सेंटर्स, वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं, ये धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन जी हाँ ये एक एडवांटेज डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड के पास है कि उनके पास सर्विस सेंटर्स थोड़ी सी ज़्यादा है, जावा पे जो है सर्विस सेंटर थोड़ा सा कम है। ये अलग बात है कि रॉयल एनफील्ड को आपको बार बार सर्विस सेंटर लेना पड़ेगा, ये अलग सी बात है, शायद आपको एसडी को लेके जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी हो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस सेंटर जो थोड़ा सा ज़्यादा है रॉयल एनफील्ड की तरफ। यसडी में ये हो सकता है कि धीरे धीरे सर्विस सेंटर्स बढ़ेगा, तो हो सकता है डाउन द लाइन आफ्टर लाइक 1 year or 2 years आपको बहुत सारे सर्विस सेंटर्स मिल जाएगा, मिलने के बाद आई एम श्योर कि आपको सेम सर्विस एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सो ये मोटा मोटी मेरा फीडबैक है। देखो आज के डेट पे अगर मुझे आप पूछोगे पर्सनली कि कौन सा बाइक आप लोगे तो मैं आँख बंद करके यसडी ले लूँगा। उसका रीज़न ये कि दिस इज़ अ मॉडर्न एज इंजन, हिमालयन जो है बहुत पुरानी है, अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, खाली BS6 BS4 BS5 यही सब मतलब चलता रहा, जो भी BS3 BS4 BS6 बेसिकली यही अपग्रेड्स होता रहा, लेकिन इंजन ये समय कोई मेजर अपग्रेड नहीं आया है। बट आई एम श्योर कि रॉयल एनफील्ड इज वर्किंग ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंजन, एक नया कुछ सेटअप लेके आएंगे शायद वो टाइम पे, आई थिंक दैट मे बी अ बेटर परचेज। बट एज ऑन डेट डेफिनेटली अगर मुझे पर्सनली बाई करना पड़ेगा आई विल डेफिनेटली बाई दी यसडी बिकॉज थोड़ी सी मॉडर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि एंड 6th गियर भी है, थोड़ी सी पावर भी ज़्यादा है, हल्की है, 10 kg जो हल्का है, तो आई एम श्योर कि देखो पहले क्या होता था ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हिमालयन जो है मुझे ना मतलब वो पूरा सेगमेंट में सबसे बेस्ट लगता ऑफर सेगमेंट क्या, आई थिंक 10 lakhs के अंदर भी अगर आप कोई ऑफ रोड बाइक के बारे में बात करोगे आई स्टिल वुड से कि यार हिमालयन इज अ गुड बाइक, क्योंकि ऑफ रोड में बहुत कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है, मैंने स्पीति वाली किया है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सेम हिमालयन अगर आप हाईवे पे चलाओगे थोड़ा मेरे लिए जो है बोरिंग होता था, क्योंकि इवन इफ आई वुड कंपेयर इट टू लाइक सेम सेगमेंट ऑफ बाइक्स लाइक डोमिनर हो गया, KTM हो गया, ये सब के साथ कंपेयर करते तो हाईवे पे ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है हिमालयन, बिकॉज उसकी क्रूजिंग स्पीड जो है 101 से 110 तक है, उससे ऊपर चलाओगे बहुत सारा वाइब्रेशन आता है, मतलब अच्छा फील नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर आप जावा को देखोगे आई एम श्योर कि ये जो है 120-130 ये आराम से स्पीड कर लेंगे, थ्रू द डे यू कैन इजिली क्रूज थ्रू दोज काइंड ऑफ स्पीड्स। देखो आप हमेशा 120-130 पे चलाओगे नहीं, लेकिन क्या होता है ना
120-130 तक पहुंचने के लिए जावा फास्ट पहुंच जाएगा कंपेयर टू द हिमालयन। अगर आप मतलब 0 to 60, 0 to 100, तो ये क्या होता है, आपको रेस नहीं करना है, लेकिन डे टू डे लाइफ पे तो होता है यार कि आप फटाफट गियर डाल के फटाफट मतलब होता है ना थ्रॉटल लगा के निकलते रहते हो, तो उसमें जावा थोड़ा बेहतर काम आएगा। अब ये दोनों गाड़ी में एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि यार ट्यूब टायर है। अब देखो ये एडवेंचर बाइक है, यू कांट हेल्प इट, एडवेंचर बाइक मतलब प्रॉपर एडवेंचर बाइक में यही होता है कि यार ट्यूब वाले टायर आता है। अब दोनों में पंक्चर आएगा तो दोनों में वाट लगने वाला है, तो बेटर ये है कि आप सीख लो कैसे पंक्चर रिपेयर करना है। सी देखो बहुत सारे आफ्टर मार्केट चीज़ें मिलता है जो आप लगा सकते हो ट्यूब वाली बाइक पे, लेकिन कोई भी 100% प्रूफ नहीं है, कब धोखा दे पता नहीं, तो इसलिए वो सीखना जरूरी है। इवन एक्सपर्ट्स के साथ भी वही सीन है, तो ये एक मेजर डिमेरिट है। जो भी हो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि नई नई टाइप की बाइक्स आ रहा है। इनफैक्ट यस दी मैम ने देखा और दो बाइक्स भी लॉन्च किया है, देखने में भी बहुत अच्छा है, तो आई एम श्योर कि अब थोड़े दिनों में जो देखते हैं कोई दोस्त या कोई अगर लेके आता है तो हम लोगों को जल्दी मिल जाएगा और कुछ वीडियोस बनाएंगे। लेट्स सी जो भी होगा, आप लोगों को डेफिनेटली बताएंगे, आप लोगों को बहुत सारे कॉन्टेंट लेके आएंगे। इनफैक्ट मैं प्लान करूंगा कि हो सकता है कि यस दी अगर होता है तो एक लेके कभी एक लॉन्ग राइड कुछ करेंगे, उसमें करने से आपको थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्टेंट भी आ जाएगा, आइडिया भी ज़्यादा आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए, सब्सक्राइब करो ना करो ये तो आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, अगर कभी वीडियो आता है बस आप देख लो, सर्च करके कभी देख लो कि ब्लू भाई कुछ वीडियो अपलोड किए तो देख लेंगे, वो है बात। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।